बारिश के दिनों में खुर के खराब होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा रहेगी और आप लोग निश्चित रूप से इस परेशानी से परेशान रहोगे। तो क्यों ना पहले ही यार कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे कि खुर की समस्या से निजात पाया जाए। नंबर वन काम आप कीजिए और वो कीजिए कि खुर को आप कटवा लीजिए। देखिए खुर कटवाना बहुत अच्छा रहता है। तो पहला काम आप कीजिए खुर कटवाना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी काम है जो आपको करना है, यानी खुरों को कटवाना है। उनको एक निश्चित साइज में जो खुर के लिए कटर आता है उससे आप निश्चित साइज में कटवा लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, खराब नहीं होंगे। दूसरा जो काम आपको करना है वो है भाई कॉपर सल्फेट। इस पाउडर का नाम याद रखिए, नीला थोथा जिसे कहते हैं कॉपर सल्फेट। ये पाउडर बहुत ही शानदार है और इस पाउडर को आप पानी में घोल करके और इस पाउडर से खुरों को साफ करते रहिए तो कभी भी खुर खराब नहीं होंगे। इसके अलावा इसकी जगह आप लाल दवा भी यूज कर सकते हैं। लाल दवा किसे कहेंगे, पीपी यानी पोटेशियम परमैंगनेट। इसको भी पानी में घोल करके पानी को लाल किया जाता है और फिर खुरों को धोया जाता है या खुर को उसके ऊपर डुबोया जाता है। ये बहुत ही अच्छा काम करता है ये फॉर्मूला, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा खुरों को सुरक्षित रखने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है फ्रेंड चूना। जी हाँ, चूना कली जिसे कहते हैं, बूझा हुआ चूना हो। जब भी हम गाय भैंस के लिए घर पे कैल्शियम बनाते हैं ना, तो कैल्शियम बनाने के बाद जो चूना बचता है उसको आप वहीं पर जहाँ गाय भैंस खड़ी रहती है वहीं पर आप डाल दीजिए। ये बहुत ही शानदार काम करता है। तो तीसरे नंबर पर आप लीजिए चूना, और ये जो चूना है ये आपको बिखेर देना है सब जगह, तो उससे भी खुरों की जो समस्याएँ होने वाली है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा फिर भी आपको अगर लगता है कि यार खुर में कुछ तो गड़बड़ लग रही है और खुर की मिस्टेक लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप एक काम और कर लीजिए, और वो काम है चौथे नंबर का जो मैं आपसे कहूंगा। दो प्रकार की सिरप आती है, दो प्रकार की दवाएं आती है मल्टीविटामिन की जो आपको मार्केट में मिलेगी। इन दोनों को ला करके एक को देना है 5 ml, एक को देना है 10 ml रोज, तो खुरों की समस्या होगी ही नहीं, और अगर हो गई है तो इससे ठीक हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपको डाउट हो रहा है तो भी आप ये ला करके दे सकते हैं, हो गई है तो भी आप दे सकते हैं, आप प्रिवेंशन के लिए भी इनको दे सकते हैं। एक एक बोतल इनकी दी जाती है 100 ml की, उसके बाद इनको रिपीट किया जाता है 1 महीने 1.5 महीने बाद, यानी बीच में गैप दे करके फिर से रिपीट किया जाता है। तो वो सिरप कौन कौन सी है, दो सिरप का ये फॉर्मूला है। नंबर वन सिरप है जिसका नाम है फ्रेंड बोविमिन जीएल के नाम से आती है। ये बोविमिन जीएल मात्र 5 ml बड़े जानवरों को दी जाती है, काप में तो 1 ml से भी काम चल जाता है। 5 ml ओडी दिन में एक बार आप दीजिए, इनटू 20 दिन आप दे सकते हैं, 25 दिन आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा सेकंड जो इसके साथ हमें ऐड करनी है, प्लस में ऐड करनी है, यहां मैंने ये निशान बनाया था तो ये निशान अलग अलग था, यहां प्लस लिख रहा हूं यानी ऐड करनी है, साथ में देनी है। उस सिरप का नाम है फ्रेंड वाइमेरोल। जी हाँ, वाइमेरोल जो सिरप है इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट भाई मिलने वाला है। वाइमेरोल आपको 10 ml ओडी देना रहता है और ये भी 10 से 20 दिन आप दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ है सारी की सारी खुरों को सुरक्षित रखने में बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। अब आप चाहते हैं कि सर ये खर्चा हम नहीं करना चाहते हैं, तो आप कोई सा भी मिनरल मिक्सचर जो दाना मिश्रण आप दे रहे हैं उसमें मिलाते रहिए, तो खुरों की सुरक्षा मिनरल मिक्सचर से भी हो जाएगी। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप रामावत एनिमल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 1234 OTP लगा लीजिए और उसके फ्री लाइव में जाकर के प्रश्न कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन